यूजर वन को मैं अथॉरिटी दे रही हूँ कि ये जो ग्राउंड फ्लोर वाली बिलिंग है यूजर वन बनाएगा, वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाली ही बिलिंग बना पाएगा। उसकी जो सीरीज स्टार्ट होगी, जो वो बिल जनरेट करेगा, वो जीएफ से स्टार्ट होंगे। तो मैंने यहाँ पर मुझे सर्च करना होगा इसके लिए भी सीरीज, ठीक है। मैंने यहाँ सीरीज सर्च किया यूजर के अंदर एंटरप्राइज करके, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि फ्यू सीरीज वाई कर दूंगी तो सबके लिए अलाउ हो जाएगा, सॉरी वाई कर दूंगी तो मुझे वहां पर डिफाइन करना होगा कि मैं कौन सी सीरीज के लिए अलाउ कर रही हूँ। अगर एन सिलेक्ट किया हुआ है, इट मींस कि वो सारी सीरीज पे बिलिंग कर सकता है, ठीक है। अभी तक मैंने इसको कहीं सीरीज नहीं बताई है, मैं पहले दिखा देती हूँ आपको। यूजर स्विच करती हूँ मैं, 01 से लॉग इन किया, अब मैं बिल जनरेट करती हूँ। तो अब मैं चाहे जिसका भी बिल बना सकती हूँ, डबल ए सॉरी 1 2 सचिन का भी बिल बन जाएगा, ठीक है, इसका भी बिल जनरेट हो जाएगा। ट्रिपल ए डेटर का बनाना चाहती हूँ तो ट्रिपल ए डेटर का भी बिल जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है, और एबीसी एंटरप्राइजेस का भी बिल जनरेट कर सकती हूँ। मतलब तीनों सीरीज से मैं इसका बिल जनरेट कर सकती हूँ। बट अगर मैं यूजर स्विच करके अथॉरिटी दे देती हूँ कि जो यूजर वन है वो सिर्फ एफएफ सीरीज पे बिलिंग कर सके या जीएफ सीरीज पे बिलिंग कर सके, मैं तीनों यूजर में अलग अलग सीरीज डिफाइन कर देती हूँ। आप चाहें तो एक यूजर को दो सीरीज भी अलाउ कर सकते हैं, तीन सीरीज भी अलाउ कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है ग्राउंड फ्लोर एंटरप्राइज करके, यहाँ पर ही बता सकती हूँ फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। चलो मैंने इसको दो में अलाउ कर दिया है, एंटर किया, स्केप किया और सेव चेंजेस को यस किया, ठीक है। यूजर टू में लॉग इन किया, वो सॉरी सर्च किया सीरीज, और यहाँ से इसका वाई सिलेक्ट किया और इससे बताया कि इसकी एफएफ पे बिलिंग होनी चाहिए बस, ठीक है। ये जो यूजर है सिर्फ एफएफ सीरीज वाले बिल जनरेट कर सकता है, और इसको सेव किया। और यूजर थ्री के लिए मैंने बता दिया कि ये एसएफ सीरीज पे कर सकता है, ठीक है, समझ आई ये चीज। यस सर। ठीक है, तो अब मैं री लॉग इन करती हूँ यूजर स्विच करके। मैंने यहाँ से 01 से लॉग इन किया, ठीक है, एंटर प्रेस किया, बिल जनरेट करते हैं। यूजर 1 से लॉग इन किया हुआ मैंने, इसको मैंने कौन कौन से सीरीज में अलाउ किया, जीएफ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले लेजर में मैंने कौन सी सीरीज बताई थी, एंटर प्रेस करके देखते हैं, जीएफ सीरीज है इसके अंदर, इट मींस कि ये बिल जनरेट कर सकता है इस पार्टी का, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके मैं कौन सी सीरीज बताई हुई है, जीएफ, ठीक है। अगर मैं दूसरी पार्टी लेती हूँ, ट्रिपल ए डेटर लिया, ट्रिपल ए डेटर की सीरीज कहाँ से स्टार्ट है, डबल एफ से, कभी मैं बिल जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ कर रहा है सारी चीजें कर सकती हूँ। अगर मैं तीसरी पार्टी लेती हूँ, एबीसी एंटरप्राइजेस थी, इसकी सीरीज क्या है, एसएफ, इसको मैंने अलाउ नहीं किया है। मैं एंटरप्राइज करूंगी तो आप देखेंगे एक कर ऊपर ऑप्शन आ रहा है सीरीज नॉट अलाउड का, ठीक है। मैंने सर इसको सीरीज में अथॉरिटी नहीं दी थी, सॉफ्टवेयर वहां मुझे इंडिकेट कर देगा कि इसको इस सीरीज में बिलिंग करना अलाउ नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहे पार्टी सिलेक्ट करके आगे बिल करूंगी तो नहीं बना पाऊंगी, ठीक है, समझ आया, समझ आया। बाकी बाकी यूजर से भी लॉग इन करके दिखाऊं या समझ आ गया, ठीक है। तो बाकी यूजर से भी ऐसे ही यूज होगा। यूजर स्विच करती हूँ, मार्क से लॉग इन करती हूँ, सुपरवाइजर से। एक काम करती हूँ मैं, अभी पार्टी वाइज सीरीज का सिर्फ इतना ही यूज था, अगर मैं पार्टी वाइज सीरीज बंद कर देती हूँ, पार्टी वाइज सीरीज बंद कर दी, अब जब मैं बिल जनरेट करूंगी तो मुझसे सॉफ्टवेयर सीरीज पूछेगा, ठीक है। आपको याद है मैंने यूजर्स में सीरीज बताई हुई है, पार्टी वाइज सीरीज बंद कर दी है मैंने,
मैंने वो पार्टी पे बिल जनरेट नहीं कर पा रहा था, बट अभी मैं यूजर स्विच करती हूँ, 0102 से लॉग इन कर रही हूँ। 02 को हमने सिर्फ FF सीरीज अलाउ की है, तो जब मैं 02 से बिल जनरेट करूंगी तो यहाँ पे सिर्फ उसको वो सीरीज शो होगी जिस पे वो बिलिंग कर सकता है, बाकी सीरीज शो नहीं होंगी। मैंने यूजर 2 को अलाउ किया था FF सीरीज के लिए, इसलिए यहाँ पर FF शो कर रहा है। अब मैं चाहे जिस पार्टी का बिल बनाऊं, बिल किस कौन सी सीरीज से स्टार्ट होगा, FF सीरीज से, ठीक है, क्योंकि पार्टी वाइज मैं बंद कर चुकी हूँ। समझ आया? यस मैम। अगर मैं 01 से लॉग इन करती हूँ, इसको मैंने दो सीरीज अलाउ की हुई थी, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर वाली, तो इसलिए यहाँ पर दो सीरीज शो कर रही है। समझ आया? क्लियर है? तो ये मैंने आपको यूजर वाइज और पार्टी वाइज बता दिया है। अभी एक आइटम वाइज बचा है, तो मैं री लॉग इन करती हूँ मार्ग से। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? थोड़े थोड़े हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, सीरीज क्रिएट की, ठीक है, मैंने सॉफ्टवेयर को अलाउ किया सीरीज क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल रूम में सीरीज सर्च करके सीरीज इनेबल की, और इन्वेंटरी मास्टर में सीरीज मास्टर का ऑप्शन है, वहां से मैंने सारी सीरीज बनाई, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं बिल करूंगी तो सॉफ्टवेयर मुझसे पूछेगा कि मैं कौन सी सीरीज पे वो बिल करना चाह रही हूँ, तो मैंने वहां से वो सीरीज सिलेक्ट करके वहां से बिल जनरेट कर सकती हूँ। अगर मुझे पार्टी वाइज सीरीज लगानी है कि इस पार्टी को इस सीरीज पे बिल होना चाहिए, तो मैंने कंट्रोल रूम में सर्च किया पार्टी वाइज सीरीज, और पार्टी के लेजर अदर डिटेल में जाके वो सीरीज डिफाइन कर दी, तो वो पार्टी वाइज सीरीज भी यूज होने लग जाएगी, ठीक है। और आप यूजर्स के लिए भी बनाना चाहते हैं कि एक यूजर को अथॉरिटी देना चाहते हैं कि ये सिर्फ इसी सीरीज पे वर्किंग कर पाए, बाकी सीरीज पे नहीं, तो यूजर पे आके एंटर प्रेस कीजिए, उसके अंदर जो सर्च करेंगे आप वहां पर सीरीज सर्च कीजिए और उसमें उसको अलाउ कर दीजिए जिस पे उसको वर्किंग करनी है, ठीक है। बस अभी इतना ही बताया मैंने। मैम अब मुझे आइटम वाइज सीरीज ऑन करनी है, तो मुझे क्या करना होगा? आइटम वाइज सीरीज करनी है तो कंट्रोल रूम में आइटम वाइज सीरीज सर्च करूंगी, ठीक है। पार्टी वाइज सीरीज के लिए मैंने पार्टी वाइज सीरीज सर्च किया था, आइटम वाइज सीरीज ऑन करने के लिए मैंने सर्च करना है यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, एस फॉर सीरीज वाइज बिलिंग, तो मैंने यहाँ पर एस सिलेक्ट किया सीरीज वाइज बिलिंग के लिए और इसको सेव कर दिया, ठीक है। आइटम वाइज सीरीज सर्च किया और वहां से सीरीज वाइज बिलिंग सिलेक्ट किया, मींस एस सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। अब उसके बाद मुझे सीरीज कहाँ डिफाइन करनी है, जो आइटम की, यानी कि आइटम की जो ब्रांड है, जो कंपनी है, वहां मैं डिफाइन करूंगी कि इस ब्रांड की आइटम इस सीरीज से प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कंपनी मास्टर में आए, कंपनी यहाँ पर सारे कंप्यूटर पेरिफेरल के ही बने हुए हैं, एक खाने का भी बना देती हूँ और एक गारमेंट का भी बना देती हूँ, आपको इजी रहेगा। न्यू आइटम, आ जाएगा, और इसकी कंपनी क्रिएट कर देती हूँ, लिवाइस, कानों अच्छा ठीक है, बीकानेर बना देते हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया बीकानेर, और यहाँ पर एक फूड के नाम से,
ठीक है, अब हमारे पास आइटम्स अवेलेबल हैं उसी हिसाब से. अब मुझे इनके ब्रांड नेम के साथ सीरीज ऐड करनी है. गारमेंट्स का है हमारा ग्राउंड फ्लोर पे, तो कंपनी मास्टर में आएंगे. गारमेंट का कौन सा ब्रांड है हमारा? लिवाइस. तो मैंने लिवाइस पे एंटर प्रेस किया. ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर सीरीज बता दी GF, और यहाँ पर डबल स्पेस दिया. पहले सीरीज का नाम डाल दिया, फिर डबल स्पेस दिया. ठीक है, मैंने क्या किया, जिस फ्लोर पर जो सामान रखा है उसके आगे मुझे उस ब्रांड के आगे वो बताना है. लिवाइस के आगे मैंने बता दिया क्योंकि हमने गारमेंट्स ग्राउंड फ्लोर पे रखी हुई है, तो लिवाइस के आगे मैंने GF लिखा और डबल स्पेस दिया. ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल W करके उसको सेव कर दिया. ठीक है, समझ आया यहाँ तक? समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. अब खाने वाली आइटम गुलाब जामुन हमने कौन से फ्लोर पे रखी है? फर्स्ट फ्लोर पे. तो मैंने FF किया और डबल स्पेस कर दिया. ठीक है, कंट्रोल W से इसको सेव कर दिया. और इलेक्ट्रॉनिक भी बता देते हैं, लेनोवो या ज़िब्रोनिक्स. ज़िब्रोनिक्स के लिए मैंने बताया सेकंड फ्लोर, डबल स्पेस, कंट्रोल W. ठीक है, और बाकी की ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डाल देते हैं. बाकी आइटम्स छोड़ देती हूँ मैं. आपको कैसे पता चलेगा अगर मैं कंट्रोल I से दिखा रही हूँ? कि अभी तो आपको पता है कि हमने गुलाब जामुन खोला है बीकानेर के अंदर, जीन्स खोली है लिवाइस के अंदर. वैसे यहाँ पे देख के पता चल रहा है कीबोर्ड कौन सी कंपनी का है? कोई बताएगा मुझे? मैम नीचे शो हो रहा है ज़िब्रोनिक्स. यहाँ पे कंपनी नेम आएंगे. ठीक है, लेनोवो का है अडैप्टर, ज़िब्रोनिक्स का मिनी माउस है और इंटेक्स का UPS है. ठीक है, बाकी देख लो आप. जो लेनोवो का लैपटॉप है और लैपटॉप अडैप्टर है और बैग है लेनोवो का है. ठीक है, आइटम्स याद हो गए कि आप थोड़ा बहुत ही देख लो. जीन्स लिवाइस की है, गुलाब जामुन बीकानेर का है, और बाकी आइटम्स ये जो है ज़िब्रोनिक्स और इंटेक्स, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में डले हुए हैं. और लेनोवो है जो मैंने किसी भी ब्रांड में नहीं डाला, मतलब किसी फ्लोर पे उसको डिफाइन नहीं किया. अब बिल जनरेट करते हैं. हाँ, मैं ये देख रही थी कि इस पे वर्किंग होगी या नहीं. मैंने यहाँ पे पहले सीरीज सिलेक्ट कर ली फॉर गारमेंट्स, कि मुझसे कोई जीन्स किसी ने खरीदी, मुझे सिर्फ जीन्स का बिल बनाना है गारमेंट्स का. तो मैंने ग्राउंड फ्लोर सिलेक्ट किया, पार्टी सिलेक्ट की. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मेरे पास आइटम लिस्ट में क्या शो कर रहा है. सिर्फ वही आइटम शो करेंगे जिनका ब्रांड कंपनी नेम के आगे मैंने ग्राउंड फ्लोर डाला था. ठीक है, समझ आया? समझ आया? Yes, ma'am. अगर मैं दूसरी सीरीज चूज करती हूँ फॉर फूड, सिर्फ गुलाब जामुन शो कर रहा है अभी यहाँ पे. ठीक है, क्लियर है? Yes, अब यूजर स्विच करते हैं. जीरो वन से मैंने लॉग इन किया. इसको मैंने कौन कौन सी सीरीज में अथॉरिटी दी हुई थी? फॉर फूड एंड फूड फॉर गारमेंट्स. तो मैंने फॉर फूड के लिए बताया. यहाँ पर भी सेम वही वर्किंग होगी, जो जिस सीरीज से रिलेटेड है, जिस ब्रांड के आगे आपने फ्लोर डिफाइन कर दिया है,
सिर्फ उन्हीं की लिस्ट ओपन होगी अगर आपने सीरीज सिलेक्ट कर ली है तो. ठीक है, बस इतना ही था सीरीज में. समझ आया? कोई डाउट है किसी को? डाउट है? क्लियर है ना? यस मैम. डिफिकल्ट तो नहीं लगा ज्यादा, थोड़ा लेंदी है, बस सेटिंग्स का है कि आपको कहाँ से क्या ऑन करना है, किस टाइम कैसे यूज करना है, वो चीज आ जाएगी तो इजी लगेगा ये भी. बट ये बहुत अच्छा फीचर है. आगे बताऊं और चीजें? नहीं, बता दो, अगर बताना है तो ठीक है, बता. नहीं, बाकी बाकी कल करें. कल. रितिका क्या कह रही है? जैसे आपकी मर्जी मैम. ठीक पता है, रितिका सबसे पहले मैं सेशन ऑन करती हूँ तो मुझे रितिका यहीं पे दिखती है, और जब मैं सेशन एंड करती हूँ, जब तक मैं मीटिंग एंड नहीं करती, मुझे रितिका यहीं दिखती है. मैम सब बैठे होते हैं साथ में. अच्छा, सॉरी, मैं देख नहीं पाती ना आपको, इसलिए मुझे नाम भी नहीं पता आपके. आकांक्षा, मैम हाय आकांक्षा. ओके, मतलब मुझे ना रितिका ही दिखती है, जैसे मैं ऑन करती हूँ ना सेशन, मुझे रितिका ही दिखती है, इसलिए मैंने रितिका का नाम याद कर लिया है. तो चलो, हम आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, तो बाकी चीजें हम कल करेंगे. प्रैक्टिस कर रहे हो आप? डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो आप? प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें इजीली समझ आएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आप जो कर रहे हो कैसे कर रहे हो. क्योंकि अगर मैं बता रही हूँ ऐसे, आपको इजी लगेगा, बट अगर आप खुद करोगे तो आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी. ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बता दो. रहे हम करेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा. अच्छा, आप करोगे तो डिफिकल्ट? डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, आप करोगे तो आपको और इजी लगने लग जाएगा. एटलीस्ट ट्राई करो, खुद प्रैक्टिस करो. ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं फिर. ओके, बाय बाय एवरीवन. और इस तरीके से एडिट कर सकता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे ये सब कुछ हो गया. मैंने इसे यहाँ पे क्या किया है? हेलो, मैं तो